हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ सिस्को की मॉडल 50 डिलक्स। ये पठानकोट की कंपनी है और ये एक एयर राइफल है 0.177 कैलिबर की। और मैं आज यूज़ कर रहा हूँ टर्मिनेटर की फिलेट्स। आप देख सकते हैं ये पॉइंटेड फिलेट है। और माफ़ी चाहूँगा, मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप जैसे देख सकते हो काफ़ी छोटी पिलेट है ये। तो आज मैं इसके 3 शॉट चलाऊंगा एक साबुन की पट्टी पे जो कि 45 फीट दूर है, क्योंकि ये जो राइफल है इसमें स्कोप लगाने का ट्रेल नहीं होता है, तो इसमें आयरन साइट के थ्रू ही हमें अंदाजे से निशाना लगाना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शॉट के साथ। तो दोस्तों, आज मैंने जो शॉट चलाए 3 शॉट आपके सामने, तो ये साबुन की पट्टी है जिसमें शॉट लगा है। मैं आपको ये काट के ज़रूर बताऊंगा कि कितने गहराई तक शॉट गए हैं। आप जैसे देख सकते हो, तीसरा शॉट मेरा मिस हुआ है जो यहाँ पर लगा है, यहाँ से पार होके, सॉरी, वो यहाँ पे लगा है। आप जैसे देख सकते हो अंदर घुस चुका है पूरा अंदर से शॉट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, ये मैं ज़रूर आपको काट के भी दिखाऊंगा अगली बार। मैं ज़रूर कोई नया, अगर आपको दिख रहा हो तो अंदर गोली फंसी हुई है, आपको अभी काट के दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं इसको काट के बताऊंगा आप लोगों को कि मैंने जो गोली चलाई वो कितनी गहराई तक गई है साबुन की बट्टी में। आप देख सकते हो ये कितनी मोटी बट्टी है साबुन की। तो चलो आइए इसको काट के देखते हैं। काफ़ी गहराई तक गई है गोली, बस आर पार ही नहीं है क्योंकि
जो गन मैंने यूज करी है अपने वीडियो में वो सिस्को की है, और सिस्को की पावर थोड़ी कम है, प्लस इसके अंदर ग्रूव्स नहीं बने हुए हैं, तो गोली टेढ़ी मेढ़ी होते हुए अंदर घुसी है। नेक्स्ट टाइम में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं अपनी प्रेसी हॉल की NX 200 अथीना यूज़ करूँगा, और उसमें मुझे यकीन है क्योंकि उसमें ग्रूव्स बने हुए हैं अंदर। और ये जो मेरी गन है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सिस्को मॉडल 15 डिलक्स पठानकोट की ये कंपनी है जो ये गन बनाती है। इसका पूरा वुडन बट वगैरह है और इसके अंदर ग्रूव्स नहीं होती है। पहले ये कंपनी बनाया करती थी ग्रूव्स अंदर, ग्रूव्स का मतलब होता है कि ये जो नाली है इसकी बैरल, इसके अंदर अंदर गोल निशान होते थे, लेकिन अंदर से ये पूरी स्मूथ है। अब इस कंपनी ने पता नहीं क्यों ग्रूव्स बनाना बंद कर दिया है इस गन में। तो आप देख सकते हो जैसे परफॉर्मेंस, गोली मतलब ये बट्टी पूरी की पूरी इतनी थी, एक मिनट मैं भी भूल गया, हाँ ऐसा ही कुछ, हाँ इतनी मोटी हुई बट्टी थी। आप लोग देख सकते हो गोली यहाँ तक आई है, एक गोली यहाँ तक आई है और दूसरी गोली यहाँ तक आई है, बस आर पार नहीं कर पाई। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा अपनी NX 200 अथीना प्रेसी होल की जो इंडियन कंपनी है उससे गोली चला के देखेंगे, सेम गोली यूज़ करेंगे और उसमें आर पार होती है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।